यो खुशियों को लेकर जश्न के माहौल में घोल दो। आज तो खूब मजे करेंगे, नाच गाना धूम धड़ाका। हाँ हाँ बिल्कुल, जश्न होगा और नाच गाना भी होगा। चलो भाई, आज का दिन बहुत थकान वाला रहा है, लखा भी थक गया होगा। जाओ तुम लोग भी आराम करो। जाने से पहले जमुना भाभी को तो पता ही है ना कि सबने आना है, तू जा रही उधर उनको कह देना कि लेट नहीं होना है। और हाँ ये भी कह देना कि औरतों के लिए अलग बंदोबस्त किया है। आप परेशान ना होइए बाबूजी, मैं उन्हें बता दूंगी। यहाँ तो मर्दों का कुछ ज्यादा ही अलग था इंतजाम से, पर अच्छा ही है अगर कैसे भी जितेश और दीपक नचनिया ले आए ना, और बाबूजी ने देख लिया तो बाबूजी तो इतने जूते बरसाएंगे, पर कम से कम माँ तो ना देख सकेगी, ये अच्छा से। देखिया पिंकी बो, यो से खुशहाल परिवार जिस जगह हमें होना चाहिए था आज, वहाँ इनका परिवार खड़ा है। हमारा परिवार तो आज भी दो नंबर पर हारा हुआ खड़ा है, इनका परिवार एक नंबर। शो देख, फूल खिल रहे हैं, गुलदस्ते उठ रहे हैं, और यहाँ कमला के छाती पे सांप लौट रहे हैं। ना है मालती, इसका तो मैं बदला लेके छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हट जाओ। एक बात मैं बताना भूल गई आपको, वो जब बच्चों का दंगल चल रहा था ना, तो मैंने बच्चों के सलामती के लिए एक मन्नत मांगी थी कि माता रानी के मंदिर जाके ना मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगी, तो सीता के साथ ना मारे को मंदिर जाना है सुबह 5 बजे। मालती, जाना जरूरी है क्या? वो बच्चों के लिए मन्नत मांगी तो जाना तो पड़ेगा। अरे जाने से पहले कभी मारे से पूछ भी लिया कर, खैर माता की बात है तो जा। जल्दी आ जाऊंगी। आप होते तो ज्यादा मजा आता। अरे बेटा मारे बच्चे सही सलामत हैं, इनसे बड़ा जश्न मार ली और क्या हो सकता है। तुम सब जश्न मनाओ, खुश हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आराम करो हैं। आओ मालती। चल। हे भगवान, मैं किसे आपको धन्यवाद कहूँ? वो कहते हैं ना, आपके घर में देर से अंधेर ना से। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आ...
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।